उन्नाव के शुक्लागंज उन्नाव फोर लेन हाईवे के किनारे वृहद पौधारोपण किया जा रहा है। वर्ष 2016 में फोर लेन हाईवे चौड़ीकरण के दौरान रास्ते के दोनों ओर खड़े करीब 2235 पेड़ों को काट दिया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ये भी भूल गया कि उसके द्वारा मार्ग चौड़ीकरण के लिए कटवाए गए 2235 पेड़ों के बदले उसे 4450 पेड़ लगवाने भी हैं। जिले के जिम्मेदार भी इस बात को भूल गए कि चौड़ी हुए फोर लेन के दोनों ओर पौधारोपण होना है। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट पूर्व नौसैनिक संदीप पांडे ने जिम्मेदार अधिकारी और विभागों को पत्र लिखकर आरटीआई के जरिए से नीज से जगाया, जिसके बाद कुंभकर्णी नीज से आज जगह जिम्मेदारों ने फोर लेन के दोनों ओर पौधारोपण का कार्य शुरू करा दिया। इस पौधारोपण में पेड़ों की सुरक्षा के लिए ब्रिक गार्ड भी बनाए गए हैं। एक ओर जहां सरकारें पौधारोपण करने पर जोर देती हैं, पेड़ों के कटाने पर रोक लगती है, लेकिन उन्नाव में जिम्मेदार अधिकारी ही सरकार के इन आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगे थे। कुंभकर्णीय नींद में सो रहे इन जिम्मेदारों को नींद से जगाने का काम एक सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट और पूर्व नौसैनिक संदीप पांडे ने किया। संदीप पांडे को एक आरटीआई के जवाब में पीडब्ल्यूडी और वन विभाग ने बताया कि मार्ग चौड़ीकरण के दौरान कुल 2235 वृक्षों को काटा गया था। इन वृक्षों को काटे जाने के बदले में याचक विभाग यानी पीडब्ल्यूडी द्वारा दोगुने 4500 पेड़ लगाए जाने हैं। इसके साथ ही इन 4500 पेड़ों को 3 वर्षों तक पोषित करने की जिम्मेदारी भी होगी। यही नहीं, इन पेड़ों को लगाए जाने के बाद सभी पेड़ों की सुरक्षा के लिए ब्रिक गार्ड भी बनाए हैं। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 3 करोड़ से ज्यादा की धनराशि कोष में जमा करवा दी गई। उन्नाव शुक्लागंज फोर लेन के किनारे अब पौधारोपण का कार्य शुरू कर दिया गया है। संदीप जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस मामले पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है? जी, 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और राजधानी मार्ग शुक्लागंज से उन्नाव के मध्य इसका जब चौड़ीकरण किया गया था, उस दौरान सड़क के दोनों ओर छायादार बहुत ढेर सारी मात्रा में वृक्ष लगे हुए थे, जो कि लगभग 50-60 साल पुराने थे। उन सभी वृक्षों को काटा गया और उन वृक्षों को काट के सड़क को चौड़ा किया गया। परंतु हुआ ये कि जब 5 साल बीत गए, उसके बाद भी उन वृक्षों के स्थान पे कहीं कोई पौधरोपण का फिर से दोबारा कोई प्रोग्राम चला नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने जब वन विभाग से 2018 में पूछा कि जो पेड़ काटे गए थे उनके स्थान पे क्या कोई वृक्ष लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो उन्होंने हमें ये बताया लिखित में कि जो 2235 वृक्ष काटे गए थे उनके स्थान पे 4500 वृक्ष ब्रिक गार्ड के साथ लगाने का उनका प्रावधान 2015-16 में ही था। और वन विभाग द्वारा कहीं पर कोई भी पौधा काटा जाता है तो इस शर्त पे काटा जाता है कि जितने पौधे वो वहाँ पे पेड़ काटेंगे उससे दुगने पेड़ वो लगाएंगे। मगर 3-4 वर्ष बीत जाने के बाद भी वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी पौधरोपण का कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ था। क्या वजह रही थी कि इतना समय लेट हो गया? क्योंकि आपने जिस तरीके से आईटीआई डाले, आईटीआई में आपको जो जवाब मिले जी, उनमें जवाब ये भी था कि जो पेड़ काटने का जो नियम था उसमें सैद्धांतिक तो उनको पास हो गया था जी, लेकिन वैधानिक उनके पास लेटर नहीं था जी। जी जी, तो क्या उन पेपर्स में आईटीआई में क्या निकल के साथ? जी, उनके द्वारा ये बताया गया था कि सबसे पहले तो वन विभाग ने हमें एक पत्र का जवाब दे दिया और उसके बाद फिर मैं आगे पत्र लिखता रहा तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद मैंने लखनऊ पर्यावरण वन विभाग लखनऊ को लिखना शुरू किया, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा। उसके बाद बीच में मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जो कि उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा था। उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो भी ये प्रोजेक्ट था पेड़ काटने का, इसकी संवैधानिक अनुमति तो 2015 में मिल गई थी, बट विधिवत स्वीकृति जो थी वो उनके पास थी ही नहीं। विधिवत स्वीकृति का लेटर जो उन्होंने साइन करके मुझे दिया, ये 5 मार्च 2020 का साइन का लेटर है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब जो है विधिवत स्वीकृति मिल चुकी है, इसलिए अब जो है वृक्षारोपण का कार्य जो है हम प्रारंभ करेंगे। बीच में एकाध बार ऐसी भी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि तमाम जो जिम्मेदार विभाग थे उन्होंने साफ मना कर दिया अपने पत्रों के माध्यम से लिखित रूप में कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी फंड नहीं है और हमें किसी भी तरह कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो हम जो है वृक्षारोपण नहीं कर सकते हैं। बट जब हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से लगातार अनेक विभागों को सवाल पूछते रहे तो कहीं ना कहीं वो जो है चीज़ें जो है सामने आई। कितना
प्रक्रिया है वो कैसे चलेगा? जी इसका पूरा जो बजट है वो 3,12,93,000 है। पहली खेप जो लगभग 3.5 लाख रुपए की है वो वन विभाग उन्नाव को प्राप्त हो चुकी है। इसके द्वारा उन्होंने गड्ढे खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया है। गड्ढा खुदाई का कार्य उन्नाव से शुक्लागंज के लिए शुरू हो चुका है। इसके बाद मृदा परीक्षण का कार्य होगा और आगामी वर्षा ऋतु जुलाई में पदरोपण का कार्य प्रारंभ होगा ब्रिक गार्ड के साथ राजधानी मार्ग के दोनों साइड पर। जी आप बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है, लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आते हैं वृक्षारोपण के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के, परंतु अगले साल जब हम देखते हैं तो उस ढाक के 3 पात हो जाते हैं क्योंकि हमें फलीभूत होते कहीं वृक्ष दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए दरअसल क्या है कि कहीं पर भी किसी भी विभाग द्वारा अगर कोई वृक्ष लगाया जाता है तो उसमें जो प्राप्त बजट होता है वो ना सिर्फ लगाने का होता है बल्कि 3 सालों तक, आगामी 3 सालों तक उसकी देखरेख का भी होता है, जो कि मेरे पास देखिए पूरा इसका डिटेल है कि किस तरह से 10 चरणों में उसका देखरेख होएगी पौधों की। तो वो जो बजट आता है वो बजट देखरेख का भी आता है। तो दरअसल ज़रूरत इस बात की है जो जिम्मेदार नागरिक हैं, समाज का जो चौथा स्तंभ है मीडिया है, और जो अधिकारी वर्ग हैं वो ईमानदारी से अपना कार्य करें, जो भी नागरिक है वो शिक्षित बने, जानकार बने, और वो इन चीज़ों के लिए भी ध्यान रखें क्योंकि पर्यावरण हमारी आज की ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। संदीप जी, आप रणजी प्लेयर भी हैं और पूर्व सैनिक भी, जी तो ऐसे में आपने आईटीआई डाला जी, तो आपको क्या लगता है कि एक पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम है जी, पेड़ काटने का, पेड़ लगने की जी, उसमें सरकारों की संवेदनहीनता है, चाहे वो पिछली सरकार हो या इस जो वर्तमान सरकार है वो, उसकी संवेदनहीनता सामने आई कि आपको आगे आना पड़ा और विभागों से लगातार आपने आईटीआई डाल के इसके माध्यम से पत्राचार के माध्यम से सब चीज़ें प्राप्त जी, अब जो काम सरकार को खुद करना चाहिए जी जी जी, वो आपने जी देखिए मेरा मानना एकदम स्पष्ट है, सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की सरकार हो, सरकार की कोई भी नीति हो, वो हमेशा जनता की भलाई के लिए और समाज के विकास के लिए ही आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी जिसके लिए हमारे जैसे लोगों को आगे आना पड़ा। हमारी संस्था है संदेश फाउंडेशन, जो कि बेसिकली स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करती है, हम लोगों ने इस आवाज़ को उठाया और मुझे लगता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस तरह की कोई भी चीज़ देखे तो आगे आए, आवाज़ उठाए, क्योंकि सारी समस्याएं सिर्फ सरकार के भरोसे जो है सॉल्व नहीं हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। मगर हाँ, आपकी बात सही है, सरकारों को अगर और ज़्यादा जिम्मेदारी से इस चीज़ को करती, अधिकारी और ज़्यादा तत्परता दिखाते इस कार्य के लिए, तो हम लोगों को शायद आगे नहीं आना। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।